जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। जो योजना बनी थी उसको शत प्रतिशत तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इंप्लीमेंट किया, और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के आ गए। और हमारी नेकदिली देखिए, मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले, पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। हम सुबह 11 बजे से उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। मैं इधर पत्रकारों को बुला करके रखा हुआ था, हमारे आर्मी अफसर खड़े थे, पत्रकारों को आश्चर्य हो रहा था कि क्या बात है, हमको बुलाया है, कोई बता नहीं रहे। मैंने कहा पत्रकार बैठे हैं उनको बिठाइए, थोड़े वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से बात करो, हमने किया है, छुपाया नहीं हमने। 12 बजे वो टेलीफोन पे आए, उनसे बात हुई, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने किया है, और तब जाकर के हमने हिंदुस्तान के मीडिया को और दुनिया को बताया कि भारत की सेना का ये अधिकार था न्याय को प्राप्त करने का, और हमने किया। तो सर्जिकल स्ट्राइक ये भारत के वीरों का तो पराक्रम था ही था, लेकिन टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है।